Good morning, student. So today topic I teach you special classification of crop. कल पहले इसके पहले वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन डाला. दूसरा क्लासिफिकेशन है स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप. इसमें हम क्या क्लासिफिकेशन अलग अलग क्रॉपों का स्पेशल टाइप करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है कि एरेबियल क्रॉप व्हिच रिक्वायर प्रिपरेशन टिलेज. इसमें टिलेज क्रिया की जाती है, उस तरह के क्रॉप को हम एरेबल क्रॉप कहते हैं, जिसमें आपका पोटैटो टोबैको सुगर केन, मतलब बिना जुताई भी कोई हम खेती नहीं कर सकते, उस तरह के क्रॉप को हम क्या कहते हैं, एरेबल क्रॉप. दूसरा होता है इले क्रॉप, जिसमें जिंजर टर्मरिक, यह अधिकतर दो पत्तियों के बीच में झाड़ियों के बीच में किसी तरह पेड़ पौधों पेड़ लगा लेते हैं, उसके बीच में जो क्रॉपिंग की जाती है, उस तरह के क्रॉप को हम इले क्रॉप कहते हैं, जिसमें आप जिंजर उगा सकते हैं, टर्मरिक उगा सकते हैं, तो इस तरह क्रॉप को क्या कहते हैं, इले क्रॉप. थर्ड है एग्यूमिनेटिंग क्रॉप, जिसमें आपका जापानी मस्टर्ड प्लस चाइनीज कैबेज है, इस तरह के क्रॉप को हम एग्यूमिनेटिंग क्रॉप कहते हैं, राइट. फोर्थ है एवनी क्रॉप, जिसमें आपका अरहर ग्लाइरिसाइड या इत्यादि क्रॉप को हम एवनी क्रॉप के अंतर्गत रखते हैं. नेक्स्ट है बॉर्डर क्रॉप, जो बॉर्डर किनारे किनारे लगाई जाती है, उस तरह के क्रॉप को हम बॉर्डर क्रॉप या फिर हम कहते हैं गार्ड क्रॉप, जिसमें आपका सनफ्लावर है, राइट. बीच में अपमेंट क्रॉप लगाते हैं, खेत के चारों तरफ बॉर्डर के रूप में लगाते हैं, इस तरह के क्रॉप को हम सनफ्लावर क्रॉप कहते हैं. नेक्स्ट है ब्रेक क्रॉप, जब हम एक क्रॉप काटने के बाद दूसरी क्रॉप को आते हैं, उसको हम ब्रेक क्रॉप कहते हैं. उस तरह के क्रॉप में अधिकतर आपका राइस व्हीट ये सब क्रॉप में आते हैं, जो आते हैं ब्रेक क्रॉप. नेक्स्ट है कैश क्रॉप, जिसको हम क्रॉप करने के बाद हार्वेस्टिंग करते हैं और तुरंत पैसे नकद पैसे के रूप में हम भुना लेते हैं, उस तरह के क्रॉप को हम कैश क्रॉप कहते हैं, जिसमें आपका जूट कॉटन टोबैको सुगर केन इस तरह के को कहते हैं हम कैश क्रॉप. नेक्स्ट है कैट क्रॉप, जिसमें ग्रीन ग्राम काउपी उड़द ओनियन रैडिश दो क्रॉपों के बीच में जब हम बीच में तीसरी क्रॉप उगा लेते हैं कुछ समय के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उस तरह के क्रॉप को हम कहते हैं कैच क्रॉप. मेन क्रॉप हो गई, उसके बाद कुछ दिनों खेत हमारा पड़ती रहेगा, दूसरी क्रॉप उगाएंगे जो कुछ समय के लिए हमारे खेत पड़ती रहती है, उसी के बीच में हम कैच क्रॉप उगाते हैं. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जो ग्रीन ग्राम काउपी उड़द ओनियन रेडिश इस तरह क्रॉप हम कैच क्रॉप कहते हैं. नेक्स्ट है क्लीनिंग क्रॉप, जो साफ करती हो, जैसे पोटैटो मेज इस तरह क्रॉप को हम खेत एकदम साफ रखता है, पोटैटो खुदाई कर देंगे, लगेगा पूरा खेत में से खरपतवार घास फूस सब बाहर निकल जाते हैं, क्लीनिंग हो जाती है, इस तरह के क्रॉप को हम कहते हैं पोटैटो और मेज, राइट. नेक्स्ट है गोल क्रॉप, जो गोल क्रॉप होती है गोलाकार वो, जिसमें आपका कैबेज कैलीफ्लावर ये सब चाइनीज कैलीफ्लावर ये सब जो आते हैं कोल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, उसको हम कहते हैं कोल क्रॉप. नेक्स्ट है कवर क्रॉप, जो फील्ड को कवर करे, खेत को चारों तरफ से कवर कर ले, जिसमें आपका उड़द ग्राउंडनट स्वीट पोटैटो ये सब आते हैं, कवर क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, खेत पूरा भर जाता है इन क्रॉपों से, इस तरह क्रॉप को हम कहते हैं कवर क्रॉप. नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री क्रॉप, ज्वार प्लस लोबिया, जब दो क्रॉप को एक साथ बुआई करते हैं, प्लस करके दोनों क्रॉप को एक साथ उगाते हैं, उस तरह के क्रॉप क्रॉप को कंप्लीमेंट्री क्रॉप कहते हैं, क्योंकि दोनों क्रॉप एक लंबी होती है, एक जमीन में फैलकर बढ़ने वाली क्रॉप होती है और दोनों का कंप्लीमेंट्री होता है, इस तरह क्रॉप को हम कंप्लीमेंट्री क्रॉप कहते हैं. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्रॉप, जिसमें मेज प्लस कुकर बीट मेज उगाते हैं, उसी बीच में कुकर बीट का क्रॉप उगाते हैं, खीरा देखते हो खीरा वाला पड़ता रहता है जो बीच बीच में लोग बुआई कर देते हैं, उस तरह क्रॉप को सप्लीमेंट्री क्रॉप भी कहते हैं, मेज प्लस कुकर बीट. नेक्स्ट है पैरा आर उटेरा क्रॉप, जिसको हम मेथाइरस कहते हैं, जो क्रॉप की बुआई करते हैं उसकी कटाई करने के पहले जो क्रॉप की हम बुआई करते हैं, मतलब कटाई करने से पहले बीच में क्रॉप हम लगा देते हैं उसी के बीचों बीच में या छिटक देते हैं, उसको हम मेथाइरस कहते हैं, उसी को हम पैरा या उटेरा क्रॉप के भी नाम से जानते हैं, राइट. नेक्स्ट है मल्च क्रॉप, जिसमें काउपी आता है, मल्चिंग क्रिया करती है, ये पूरा उसको हम सड़ा देते हैं, उस तरह क्रॉप को हम मल्चिंग क्रॉप कहते हैं. नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप, भिंडी प्लस काटन इस तरह क्रॉप को हम ट्रैप क्रॉप भी कहते हैं, जो हानिकारक या इंसेक्ट पेस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे भिंडी उगा दिए, भिंडी के चारों तरफ हम काटन लगा देते हैं, काटन उसको आकर्षित करता है, हमारी भिंडी भी होती है, इस तरह क्रॉप को हम ट्रैप क्रॉप के भी नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है सॉइलिंग क्रॉप,
जिसमें बर्थीम प्लस नेपियर घास होती है, उस तरह क्राप को हम सोहाली क्राप भी कहते हैं। साइलेज क्राप, काउपी, ज्वार, इस तरह क्राप को हम काफी लंबे समय तक काट के जमीन में गाड़ देते हैं। क्राप आप सीजन ऑफ होने के बाद इस तरह की फसलों को निकाल कर हम फिर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, उस तरह क्राप को साइलेज क्राप कहते हैं। इस तरह बच्चों कुछ हमने विशेष जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, उस तरह के क्राप को हमने लिखा, जिसमें फर्स्ट है एरेबल क्राप, इले क्राप, एग्रुमिनेटिंग क्राप, एवनी क्राप, बॉर्डर क्राप, आर गार्ड क्राप, ब्रेक क्राप, कैश क्राप, कैच क्राप, क्लीनिंग क्राप, कोल्ड क्राप, कवर क्राप, कंप्लीमेंट्री क्राप, सप्लीमेंट्री क्राप, पैरा आउटेरा क्राप, मल्च क्राप, ट्रैप क्राप, सोनिक क्राप एंड साइलेज क्राप, राइट? ओके, ये अधिकतर इसमें कंपटीशन के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि कैच क्राप आर, नंबर चार छह ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही करना होगा। जैसे कैच क्राप दे देगा तो उसमें जूट दे देगा, ग्रीन क्राप दे दिया, उसके बाद फिर ग्राउंड नट दे दिया, तो आप किस पे टिक मारेंगे, जो सही होगा उसी पे आप टिक मारिएगा। इस तरह क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में। सो माई चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।